नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलोत्पल और आप देख रहे हैं टेक इजी हिंदी। दोस्तों आज हम ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर बात करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड दिख रहा है जो GPU 0 और दूसरा है GPU 1 जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है रेडॉन का MD530। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रेडॉन यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 0% दिखा दे रहा है। अगर मैं एक हेवी टास्क यूज करता हूँ तब भी ये 0% रहता है, लेकिन मेरा इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड इंटेल का है ये तो 100% का आसपास आ जाता है, लेकिन ये GPU 0% ही रहता है। आप भी आपका पीसी में इसको चेक करके देख सकते हैं, अगर आपका पीसी में ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है ठीक से काम आता है या नहीं। अगर ये ठीक से काम में नहीं आता है तो आपका पीसी बहुत स्लो हो जाएगा, स्पेशली आप जब हेवी टास्क यूज करते हैं जैसे वीडियो रेंडरिंग या गेम खेलना, तब ये पीसी और भी स्लो हो जाएगा। तो इस जीपीयू को कैसे काम में लिया जाता है इसके बारे में आज हम बताऊंगा। दोस्तों ये एमडी का ग्राफिक्स कार्ड है। इस ग्राफिक्स कार्ड का सभी सॉफ्टवेयर को पहले आपको ठीक से अपडेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एमडी का सेटिंग्स ओपन करता हूँ, फिर मैंने क्लोज करता हूँ। एमडी रेडॉन सॉफ्टवेयर सेटिंग्स, इसका अंदर आप होम का अंदर देख सकते हैं ये ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिखा रहा है। करेंट वर्सन 20.7.1 और ये स्टेटस अप टू डेट दिख रहा है। यहाँ पे मैंने एक बार चेक फॉर अपडेट में क्लिक करता हूँ और देखिए ये चेक हुआ है और यहाँ पे अभी कोई अपडेट नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आपका ग्राफिक्स कार्ड का सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। दूसरा, जो अपडेट करने के बाद भी अगर ये यहाँ पे GPU काम में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपका डेस्कटॉप में एक टेक्स्ट फाइल करना है। जैसे मैंने न्यू का अंदर टेक्स्ट फाइल करता हूँ, यहाँ पे आपको टेक्स्ट फाइल का नाम देना है opencl.supported.cards। इसको आपको ध्यान में रखना है, आपका एमडी ग्राफिक्स कार्ड है तो आपको opencl.supported.cards इस तरह एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ओपन करना है और आपका जो ग्राफिक्स कार्ड आपका पीसी में इंस्टॉल्ड है उस ग्राफिक्स कार्ड का नेम यहाँ पे सही से डालना है। जैसे मेरा ग्राफिक्स कार्ड का नेम आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडॉन 530 TM। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर जाता हूँ, उसके बाद डिटेल्स का अंदर और उसके बाद कॉपी करके उसी नेम को मैंने यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। जिस एप्लीकेशन का ऊपर आप ये ग्राफिक्स कार्ड यूज करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ प्रीमियर प्रो का ऊपर इस ग्राफिक्स कार्ड को यूज करना, तो मैं इस प्रीमियर प्रो इंस्टॉल है उसके ऊपर जाऊँगा। जैसे प्रोग्राम फाइल के अंदर एडोब का अंदर प्रीमियर प्रो CC 2018, उसके बाद यहाँ पे उस फोल्डर को यहाँ पे पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पे पहले से ही इस टेक्स्ट फाइल को पेस्ट करके रखा हूँ, आपको मैंने यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं opencl.supported.cards, मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इंटेल UHD ग्राफिक्स कार्ड 620 और डेडिकेटेड जो AMD रेडॉन 530, ये दोनों नाम यहाँ पे मैंने सेव करके रखा हूँ। इसको मैंने क्लोज करता हूँ, इसको मैंने क्लोज करता हूँ। उसके बाद प्रीमियर प्रो को ओपन करते हैं, आप यहाँ पे देखें यहाँ पे उस ग्राफिक्स कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है या नहीं, इसलिए मैंने प्रीमियर प्रो को ओपन किया है और यहाँ पे मैंने चेक करूँगा यहाँ पे उस ग्राफिक्स कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हुआ है या नहीं। जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को लेता हूँ, टेक्स्ट ग्राफिक्स, यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर आता हूँ, जनरल का अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंडर के लिए जो ग्राफिक्स कार्ड ऑप्शन था यहाँ पे हाइड हो चुका है, सिलेक्ट नहीं हो रहा है। फिर से एक बार इस प्रीमियर प्रो को क्लोज करता हूँ और यहाँ पे सर्च का ऊपर टाइप करता हूँ REG रजिस्ट्री एडिटर, इसको यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे को ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है H की लोकल मशीन्स का अंदर, उसके बाद सॉफ्टवेयर्स का अंदर, उसके बाद
KHRONS, उसके बाद भेंडर CL। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा तीन ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। ऊपर में जो डिफॉल्ट लिखा है उसको छोड़कर नीचे बाकी जो ऑप्शन है उसको ऊपर मैं मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको वैल्यू डालना है 1, जैसे यहाँ पे 1 यहाँ पे है, उसके बाद ओके क्लिक करता हूँ। दूसरा जो ऊपर वाला ऑप्शन है उसको भी मॉडिफाई करता हूँ और उसका ऊपर मैं डालता हूँ 1 और उसके बाद ओके में क्लिक करता हूँ। दोस्तों इसके बाद आपको प्रीमियर प्रो को फिर से एक बार ओपन करके चेक करना पड़ेगा रेंडरिंग का ऑप्शन है ये एनेबल हुआ है नहीं। तो मैंने प्रीमियर प्रो को फिर से एक बार ओपन करता हूँ। और यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट को मैंने ओपन करता हूँ चेक करने के लिए। इसके बाद मैं फाइल के ऊपर आता हूँ और प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जनरल को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेंडरिंग ऑप्शन था यहाँ पे सक्सेसफुली सिलेक्ट हो रहा है और दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहले तो इस वाला ऑप्शन सिलेक्ट हुआ था और इनएक्टिव हो गया था और इस बार इस ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है और यहाँ पे आपको रेंडरिंग करके मैंने दिखाता हूँ। और देखिए यहाँ पे GPU भी काम में यूज हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं GPU यहाँ पे काम में यूज हो रहा है। को इस प्रोजेक्ट को मैंने करता हूँ क्लोज। क्लोज प्रोजेक्ट और यहाँ पे मैं दूसरे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे GPU एक्सेलरेशन जो OpenGL इसको मैंने सिलेक्ट करता हूँ और ओके में क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे आपको चेक करके देखिए यहाँ पे 2% दिखा रहा है। उसके बाद फिर से एक बार चेक करता हूँ, यहाँ पे कुछ फुटेज को यहाँ पे डालता हूँ चेक करने के लिए। इस फुटेज को मैंने प्रीमियर प्रो का अंदर डालता हूँ और यहाँ पे चेक कर देखिए यहाँ पे 1% दिखाई दे रहा है। इसको मैंने डायरेक्टली रेंडरिंग में डालता हूँ। देखिए रेंडरिंग और इसको मैंने एक बार चेक करता हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये देखिए रेंडरिंग होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे GPU भी जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है वो भी यहाँ पे यूज हो रहा है। दोस्तों इसी तरह आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड काम में नहीं आता है तो काम में ले सकते हैं और आपका PC का परफॉर्मेंस भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो अच्छा लगा और आपने कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर से मुलाकात होगा इस तरह एक नया वीडियो में।